तो आज हमारी राइड का है 6ठा दिन। आज जा रहे हैं हम खारदुंगला। चलो रास्ते मिलते हैं। गाड़ी तो और ये होम स्टे लिया था, अच्छा था। ये गाड़ी अपनी पूरी रेडी है। चलो रास्ते मिलते हैं, टैंकी फुल करा लेते हैं, इन दोनों में भी भरवा लेते हैं और फिर निकलते हैं हम। ग्लव्स कहाँ रख दिए मैंने? ओह शिट, ग्लव्स कहाँ रख दिए भाई मैंने? अबे यार, ग्लव्स में छूट गए क्या? अबे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अबे यार, बस 1000 का कर दे। हाँ भैया, मेरे दोनों ग्लव्स गिर गए पत्नी का। अबे यार, ठंड भी लग रही है। चालू हो जा, चालू जा, चल। अबे यार, सैटरडे संडे 2 दिन मैकेनिक बंद है, मैं 2 दिन वेट थोड़ा कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। मैं खारदुंगला 39 सुमर 100 जान दो यार, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। इधर से पूरी ले सिटी दिख रही है। मैंने अपनी कम फोटो खींची, लोगों ने ज्यादा खींची है। ओ, ये पूरी ले सिटी। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे ग्लव्स दोनों गिर गए। अभी जो निकाले थे वो भी पता नहीं कहाँ गिर गए। खारदुंगला यहाँ से है 39 किलोमीटर। क्या व्यू है भाई। मैं सुबह इसलिए जल्दी निकला ना कि मेरे को आराम से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए जल्दी निकलो। ठंड लग रही है बहुत तेज, हाथ में लग रही है, पता ही नहीं लग रहा मेरे को तो मेरी उंगलियाँ 1-2 है कि नहीं है। चीजें बड़ी खोने लग गया हूँ आजकल। इतना सारा सामान बांधो, फिर उतारो, फिर बांधो, फिर उतारो। ले व्यू पॉइंट एट 13,000 फिट। वो ओ भाई, ओ भाई, अब गाड़ी देख, अब गाड़ी हो रही है ना, देख रहे हो कैसे हिल रही है। रोड सिंगल पर वही है ना कि बड़ी रोड नहीं है ये, वही ना गाड़ी यार, एक वो निकलने में बहुत वो होगा, वो देख रहे हो। ए गुजरात, ऊपर मौसम भी खराब हो रहा है। कोई नहीं, पहुंचेंगे। ओ भाई, चढ़ जा, चढ़ जा। 20, 15 गाड़ी नहीं चल रही, खींची नहीं रही। 20 चल जा यार, पूरे थ्रॉटल देने में तब 20 चल रही है। ओ भाई, यहाँ से खारदुंगला है अभी भी 26। वो जा रहा ट्रक धीरे धीरे, जब वो नहीं चढ़ पा रहा तो ये तो अपनी धन्नो धीरे धीरे जाएगी। ओ
कान में ना एक अजीब सी सनसनाहट सी हो रही है, सुन ऐसी आवाज आ रही है। ओ बंद मत होइयो, बंद मत होइयो, बंद मत होइयो। बंद मत हो, बंद मत हो, बंद मत हो, बंद मत हो यो। अबे यार सांस फूल रही है, अब गाड़ी भी ढंग से नहीं चल रही है। ओ ओ ओ अभी खारदुंगला से 20 किलोमीटर पहले रोक लिया है, बहुत बर्फ गिर रही है। ये चेक पोस्ट है यहाँ खारदुंगला रेस्टोरेंट। ओ भाई द लॉन्ग लाइफ ऑफ दलाई लामा। अपनी स्कूटी वो खड़ी, तो मैं सुबह सुबह जल्दी इसलिए निकला था कि मैं जल्दी खारदुंगला क्रॉस कर दूंगा, पर बर्फ बहुत गिर रही है। ग्लव्स भी काम नहीं कर रहे हैं, ग्लव्स तो पहली बात मेरे गिर गए हैं। और बता रहे हैं आगे तो स्लिपरी रोड है, तो आराम से जाना, आराम से ही जाएंगे भाई। अपना चेक करवा लिया, क्लियर हो गया इधर से, बर्फ हल्की हल्की गिर रही है, अब थोड़ा मौसम क्लियर हुआ है तो निकलते हैं। आखिरकार पहुंच गया मैं लेह खारदुंगला, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है पर लेके आया मैं, हालत बहुत खराब है, गाड़ी चल नहीं रही क्योंकि पूरा स्नो स्नो है, और तब भी मैं खारदुंगला टॉप पहुंच गया हूं मैं। पॉसिबल करके दिखाना है ना, होता तो कुछ भी नहीं है पर जुनून होना चाहिए ना करने का, तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और सुकून तो जो मिल रहा है ना मेरे को, मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकूंगा नहीं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है फिर से, और पेट्रोल मेरे को डालना पड़ेगा, ख़त्म हो गया गाड़ी में, तो मैं यहाँ से निकलूँगा नुब्रा वैली के लिए। और बस आगे मिलते हैं नुब्रा वैली में, कुछ करना था ना हो गया आज वो। कुछ ऐसी लग रही है अपनी स्कूटी, मौसम फिर से ख़राब हो रहा है तो यहाँ से आगे निकलने में ही बेटर है, क्योंकि इस बार इतनी बर्फ़ गिर गई है इस मौसम में कि टोटली क्लाइमेट चेंज हो चुका है। खारदुंगला व्यू पॉइंट 17,982 फीट। आई वॉज हेयर, आई एम ऑन द हाइएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड। मज़ा आ रहा है काफ़ी, कुछ खाएंगे यहाँ देन निकलते हैं हम, क्योंकि उसके बाद अपनी गाड़ी वो खड़ी। तो मज़ा आ रहा है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ से थोड़ा निकलेंगे जल्दी क्योंकि मेरी गाड़ी दिक्कत दे रही है, उसमें पेट्रोल भी ख़त्म है, फिर से डालना है, और इस साइड का मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। कैसे निकल रहे हैं ये हाईएस्ट कैफे
18,380 फीट और चलो और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मौसम ख़राब है और निकलना ही, क्योंकि फिसल रहा है, अब फिसल रहा है, चला नहीं जा रहा, तो चलेगा क्या, गाड़ी क्या चलेगी। निकलते हैं। यो गड़ी, क्या हाल है? कैसा? ठीक है? आप कहेंगे क्या? काम का नहीं है ये। निकलते हैं। इधर जा रहे हो आप? नहीं। ऐसे ही होगा। कुछ ही हाल है अपनी स्कूटी का। तो कैमरा नहीं लगा सकता मैं। चल रहे अब चाय पी लिए कैफे में और मिलते हैं नुब्रा वैली में। कैमरा चार्ज नहीं है तो इसलिए हम आगे के देखते हैं, कहीं पर चार्ज करने का टाइम मिलेगा तो कैमरा लगाऊंगा, घर में नुब्रा वैली में मिलते हैं। ओ भाई, अब जाके कैमरा लगाया, थोड़ी बर्फ़ कम हुई है रोड पे, तो हम कैमरा भी थोड़ा चार्ज करेंगे और फिर ओ भाई बहुत मुश्किल है भाई। मैं किस तरीके से गाड़ी ऊपर से उतार के लेके आया हूँ ना, अभी कितनी स्लिप कर रही थी, कितनी स्लिप करी, एक बार गिर भी चुकी है और कुछ क्या बोलूँ मैं। अब थोड़ा नीचे आया हूँ, नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं, कैमरा लगा लेता हूँ। ओ भाई जी, चलो आगे मिल रहे हैं नुब्रा वैली में। ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो कैमरा जहाँ मैंने लगाया नहीं था, और रोड मैं कह रहा हूँ कि बर्फ रोड में जम चुकी थी भाई, और फोटोग्राफी कैसे करूँ मैं, सोलो बंदा हूँ ना, या तो मैं टाइम से पहले रोड से निकलूँ या तो फोटो खींच लूँ मैं, तो मैं निकलना ज़्यादा पसंद करूँगा, फंसना नहीं पसंद करूँगा मैं, ऐसी रोड पर फंस गया ना। और रोक के सामान उतार के तेल डाला, वैसी सांस फूल गई। ओ सही है, रोड बड़ी खराब है यार। सांस नहीं ली जा रही मेरे से तो बिल्कुल भी। ओह, थोड़ी सी रोड अब खराब हो गई है, थोड़ी धूप आई ना, थोड़ी राहत मिल रही है। ओह यार, हाथ दर्द हो गए मेरे चलाते चलाते, तो कितनी खराब रोड है।
नुब्रा वैली का भी रास्ता बहुत खराब है। ओह वे यार, ऐसी तैसी करने पे लगे पड़े रहते हैं अभी। यहाँ के कुत्ते बड़े जबरदस्त हैं भाई। वो ट्रक में से बंदा वीडियो बनाया जा रहा है, बस कर मेरे भाई, बस कर यार, जाड़ दे मौज ले। तू भी घूम क्या, हमारा क्या, हम तो घूमते रहेंगे। क्या मस्त रोड बना रखी है, इतनी देर बाद। पर ये कुछ देर का ही सिर्फ होता है, उसके बाद वही ओ रे फक। दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ लाल लाल पहाड़ है, लाल लाल पहाड़ और कुछ भी नहीं है, और खड़ी रोड है बस। ओ अब रोड और खतरनाक हो गई है। ओ भाई क्या व्यू है, नदी में पानी कम है अभी, क्या नजारा है बे, मस्त। जितनी दिक्कत है उतना सुकून है साला। सामने वाले पहाड़ देख रहे हो, ये पूरी वैली, थोड़ी हरी थोड़ी मिट्टी, और सामने क्या लग रहे हैं पहाड़। ओ भाई ये पहाड़ तो ऐसे है कि अगर थोड़ी सी भी हवा चले ना तो धूल मिट्टी तो उड़ाएंगे उड़ाएंगे और नीचे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और ये नदी बह रही है, साथ में चल ही रहे हैं, और क्या चाहिए। विंड ब्लास्ट देख रहे हो कितना तेज है, क्लाइमेट देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। मैं इसीलिए टाइम से हर जगह से निकला हूँ ना, कि मेरी गाड़ी फंस गई ना तो हो गया काम मेरा। और सही तो है, टाइम से निकल जाओ कहीं से भी। इधर को जाना है, नुब्रा वैली के लिए किधर से जाएंगे, सीधा आपको कहाँ जाना है? मेरे को नुब्रा वैली आना था। तो अभी हम नुब्रा वैली पहुंच चुके हैं, पर मेरे को पता नहीं है अभी जाना कहाँ है। सीधा सीधा चलते जाओ बस, देखते कहाँ जा रही है रोड, बाकी मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है। डिस्किट मॉनेस्ट्री 1 किलोमीटर। उधर के बादल सारे इधर आ गए, उधर से मैं आऊंगी, उधर बारिश हो रही थी, ये वाले बादल उधर से, उधर वाले बादल इधर से। ये है डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, रो रही मूर्ति। ये है गेट, क्या लग रही है मूर्ति। ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है।
हम जा रहे हैं नुब्रा वैली से पैंगोंग, क्योंकि नुब्रा वैली में रुक के करेंगे क्या, अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी 155 कुछ किलोमीटर है पैंगोंग यहाँ से, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पहुँच जाएंगे, कोशिश तो करेंगे। अगम 23 किलोमीटर। ओ, ये रेत गिरी है ना। अच्छा रेत की तो पहाड़ है ये। ढलान इतनी तेज है ना। दे 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 ब्रेक ब्रेक ब्रेक। एक तो मेरे ब्रेक भी नहीं लग रहे हैं पता नहीं क्यों यार। इस बार गाड़ी सर्विस अच्छी से नहीं हुई इस बार। ये पक्का पैंगोंग का ही रास्ता है। अरे यार ये क्या आ गया मैं। अकेले जाने में ना यही दिक्कत होती है भाई। रास्ते पता नहीं है, मेरे दोनों सिम बंद है, नेविगेशन चल नहीं रहे हैं। सिम ही बंद है तो नेविगेशन क्या। अब ये नहीं पता कि पानी कहाँ बीच में है कि साइड में है। शिट मैन। ये कहाँ आ गया हूँ मैं। इसमें पानी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। पिछली बार की तरह गलती नहीं करूंगा मैं। एक बार गलती हुई ना बहुत है। पैंगोंग की भी चढ़ाई बता रहे हैं थोड़ी सी यहाँ, ये सब थोड़ी थोड़ी तो है। जिसमें गाड़ियाँ चलाई ना वो थोड़ी थोड़ी तो है। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के यहाँ पर। और बाबा रोड तो और खतरनाक है भाई। अब आगे सीधी सीधी रोड लगाते जाओ। फिर रास्ता पैंगोंग लेक की तरफ जा रहा है। चलो भाई, क्योंकि यहाँ 2 डाइवर्जन थे, एक सीधा था एक लेफ्ट साइड को है, एक राइट और लेफ्ट। कंफ्यूजन इतना होता है ना, कुछ कहना नहीं है। दुर्भुख है यहाँ से 59 किलोमीटर। 59 59 एक घंटा, 1.5 घंटा लगेगा। लैंडस्लाइड एरिया ये बहन जो। और चल रास्ता देख रहे हो, ये ऊपर जाना है।
ओ भाई, अबे तेरी तो ये रास्ता है खराब तेरी तो। चल जा चल जा चल जा, फंसियो मत फंसियो मत फंसियो मत, चल फंसियो मत। ओह पैंगोंग आने वाला है, आने क्या वाला है, अभी 30 किलोमीटर है। ये पता नहीं किस चीज़ का बच्चा है, यहाँ बीच में आके बैठा हुआ है। साइड हो जा 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 साइड हो जा, उड़ जा उड़ जा, हाँ बस और ऊपर चले जा। तो अभी हम हैं दुर्बुक में, ये पूरा आर्मी एरिया है। पैंगोंग लेक हम पहुंच चुके हैं, मेरा चार्जर गिर गया है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और मेरा बैटरी नहीं है, फ़ोन में कैमरा चार्ज नहीं है, पर तब भी कोशिश जारी है। और वापसी मेरे को यहाँ से इतना टाइम हो रहा है, पर देखो मैं अभी कहाँ रुकता हूँ मैं। तो गाइस हम पैंगोंग लेक पहुंच चुके हैं और फ़ोन का चार्जर खो गया है, कैमरा डिस्चार्ज है, हाँ देख रहे हो, तेल नहीं है गाड़ी में और यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। झील देख रहे हो आप, इसको देखने के लिए आया था बहुत दूर से, अच्छा लगा फर्स्ट टाइम देखने का, पर इस टाइम पानी कम है बोल रहे हैं। तो अब अभी हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं अपनी रामचारी, चल रही है किसी ना किसी तरीके से, मिलते हैं हम वापस ले में। चीज देख के ना